रेडी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा पाकिस्तान पंजाब पेज, दी हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हेरिटेज क्लब, पंजाब पेज और शाहिद शबीर फोटोग्राफी, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। तमाम पेजेस के नाल मैं एक बार फिर हाजिर होया। कुछ खोरे सच लैके आया वहाँ और कुछ बिटर ट्रुथ। कुछ ऐसा यादा ने जिन्हिया के शायद कुछ लोगों को सुन के बड़ा दुख होएगा कि मैं इस वेले जिस रोड के उत्ते खलोता होया वहाँ, अजकल तो इन्हें सराय रोड कहा जाता है, लेकिन कभी यह चौक का नाम दमदमा साहब हुंदा सी, दमदमा चौक हुंदा सी। मेरे पिछे बाबा खेम सिंह बेदी की बनाई हुई पंजाबी जिहड़ी है वह सराय है, पंजाबी सराय जिहड़ी के बाद ताहिर सराय के नाम तो मशहूर हुई, क्योंकि ये वो लोग सन जिन्होंने बाद अलॉटमेंट हुई और उन्होंने अपने सराय को ख़त्म नहीं किया। बड़ी गल है, ये नाल ही जुड़िया हुआ है गुरद्वारा श्री दमदमा साहब। आओ मैं तुम्हें थोड़ी जी डिस्कशन जी करवाना चाहना, मैं काफ़ी देर तो इस चीज़ के मुतलक जरा गल करना चाह रहा है गुरद्वारा श्री दमदमा साहब के मुतलक, लेकिन बाहर के टूर ज़्यादा करने की वजह नाल मैं जरा नहीं हो पाया। अज मेरे सफर देश ने मेरे नाल काशिफ तुर्की शालीमार बाग, दोनों नाम यूज करते हैं, और मैं इन्होंने नाल इन्होंने लैके आया वहाँ दोबारा ना फिर लिखा है वक्फ हाफिज मोहम्मद ताहिर ज़ेर इंतज़ाम जमुईयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली सराय रोड कराची बजरिया शाख रावलपिंडी इस्लामाबाद तकी प्लाजा कमेटी चौक। यह जड़ी जगह सी सराय जड़ी है पंजाबी सराय सी, लेकिन उस तो पहले जड़ा है ये हिस्सा सी गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब का। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब जड़ा है वैसे तो यदि हिस्टरी जी काफ़ी पुरानी बनती है इस जगह की, लेकिन बाबा खेम सिंह बेदी जड़े ने कलर वाले जिन्हों के नाम दे तो मैं शायद पहले भी काफ़ी चीज़ा मैं तस्करा कर चुकिया, बेदी महल कर चुकिया वहाँ, आर एम सी जड़ा रावलपिंडी मैडिकल कॉलेज जड़ा वो इन्हों की अपनी इन्होंने अपनी बेटी की शादी के उत्ते जड़ा सी वो बनाया सी, और उस वेले चीज़ जड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रोमीनेंट नहीं सी। बाबा खेम सिंह बेदी जड़े कलर वाले ने उन्हों की रावलपिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा सारी खिदमात सन, और उन्होंने खिदमात एक खास तौर पर यह चीज़ जी एक फनपारा ऐसा है कि जड़ा बहुत शायद घट लोगों को हिस्टरी के मुतलक पता है। वैसे तो बाबा खेम सिंह बेदी की जी हिस्टरी है वो कलर तो ही ज़्यादा शुरू होंगी है, और कुछ उन्होंने रकबे जड़े सन वो उन्होंने फिर सन मोंटगोमरी दे विच और रस्ते बीमार होए और ट्रेन दे विच जाते हुए उन्होंने जी सी ज़्यादा हालत सीरीयस हुई सी, और फिर उन्होंने एटलीस्ट जी सी उन्होंने डैथ हो गई सी। गल हो रही थी बाबा खेम सिंह बेदी की, बाबा खेम सिंह बेदी है कौन सन? बाबा खेम सिंह बेदी जड़े सन अगर देखा जाए तो 14वीं या 16वीं जड़ी पीढ़ी सी जाके बाबा गुरु नानक साहब के नाल जाके मिलते सन और वंश नाल जाके मिलते हैं, और कहा जाता है कि भी ये जड़े सन उदासी पंथ नाल इन्हां दा तलक सी, और इन्होंने वैसे बहुत ज़्यादा सारे पब्लीकेशन के काम तो रावलपिंडी वैसे ही बहुत ज़्यादा करवाए सन, लेकिन इन्हों का जो शाहकार सी वो दो तीन चीज़ा सन। एक तो इन्हों का खेम सिंह बेदी महल सी जिहड़ा कि इस वेले जिहड़ा कलर शहीदां दे विच जिहड़ा हाई स्कूल हले भी अज भी मौजूद है, और दूसरी जिहड़ी सी वो एक स्कूल सी जिहड़ा रावलपिंडी दे विच सी, और फिर तीसरा है पंजाबी सराय है, चौथी चीज़ जिहड़ी सी गुरद्वारा श्री दमदमा साहब है, और इहदे नाल जुड़िया हुई पूरी मार्केट है। एंट्रेंस है इस जगह जी जिते शख्स बैठे हुए हैं, इस तो बाद जी अगे एंट्रेंस शुरू हो जाती है गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब की। ये लोग ने माइग्रेटेड रिफ्यूजी ने कश्मीर तो यह अंदर जाने की बंदे ने विजिट करने की इजाजत नहीं देंगे ने, ठीक है जी। मैं पहले भी जिक्र किया कि भी यह लोग जड़े ने बहुत ज़्यादा जड़े ने जो कोई बंदा इन्हों गल करता है तो अगो बदतमीजी ना पेश आते हैं, और कोई तस्वीर बनाने भी इन्हें इंट्रस्टिड नहीं होंगे ने। मैं संगत को और एस पी जी सी क्लीयर करा कि एक इतिहासिक जगह है जिड़ी कि गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब के नाल अंदर दरबार साहिब प्रकाश स्थान मौजूद है,
और प्रकाश स्थान बिल्कुल रोंग शेप बनया हुआ है, गुंबद है और गुंबद जड़ा है वो अंदर प्रकाश हों और कीर्तन किया जाता है। फिर उस तो बाद जी है मेन जी एदी एक होर चीज़ मैं तुम दसा कि जोड़े पाकिस्तान साइड के उ बने हुए पाकिस्तान के बने हुए जोड़े गुरुद्वारे ने उन्होंने स्पैशल मुकाम इसलिए ज़्यादा सी कि वर्मा टीक का जो नायाब काम से सिर्फ इस गुरुद्वारे के अंदर किया होया। वर्मा टीक वुड जी ब्लैक टीक वुड जिन्हों कहा जाता है वह वर्मा तो आती सी और कॉस्टली तरीन लकड़ जी है उन्होंने अपने महल अंदर भी इस्तेमाल नहीं की लेकिन इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर इस्तेमाल की है। मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी सिव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान सिव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान तमाम बैचेस के नाल मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी एक एक चीज़ जी है अज भी जी है खुल खुल के अपने आप में दसती है सिख पीरियड दियाँ बनिया हुआ शाहकार है पूरा। उस चौक तक बिल्डिंग जाती है और मैं थोड़ा यदा पूरा हदू दरबा दिखाता जावा कि अच्छी खासिया दुकाना जड़िया सन ए नाम सन। फिर इस तो बाद पंजाबी सराय पूरी ये नाम के उत्ते वे और यदि बैक साइड के उत्ते पूरी सराय है वो भी ये नाम के उत्ते वे यानी कि खाली गुरुद्वारा नहीं सी ये यात्री निवास बहुत व्डा बनया हुआ सी जिदे असरात अज तक मौजूद ने दुकाना अपनी ओरिजिनल हालत ने सिर्फ ऑकोपाई हुई है तो मेन बिल्डिंग हुई है जी गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब की है। यह चौक जड़ा सी यह चौक दमदमा चौक कहलांदा सी इहनू बाद विच काफ़ी नामां दे नाल चेंज किया गया काफ़ी कुछ किया गया लेकिन इहदा ओरिजिनल नेम जड़ा सी वह दमदमा साहिब है। यह देखो बाजार में जिहड़ियां दुकानां सन उन्हां दे आर्कीटेक्चर भी हले तक सिख आर्ट दा जिहड़ा नमूना वह बाकी है। तुसीं देख रहे हो गुरद्वारा श्री दमदमा साहब यह भी हो गुरद्वारा श्री दमदमा साहब की बिल्डिंग और जिहड़ियां शॉप्स इहदे नाल जुड़ियां होईयां ने वह भी मैं तुहानूं दिखाउंदा चलां। बहुत ज़्यादा सारे लोग कहिंदे ने कि निशानात खत्म कर दे निशानात खत्म नहीं कीते गए लेकिन जिहड़े रिफ्यूजीज आए ने जिहड़े लोग कश्मीर तो माइग्रेटेड ने जिन्होंने इन्हां बिल्डिंगां दे कब्जा आके कीता वो लोग जिहड़े ने इन्हां दे वजह कथा सारी बदलते जा रहे हैं। लोकल पंजाबीज ने आज तक किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया ना ही उन्होंने खराब करते हैं। बिफोर द 1947 भी ये रिकॉर्ड किया गया मैं कितनी बार दिखाया भी है इस चीज़ को कि भी इन्हों आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं सी जिहड़े जिहड़े लोग माइग्रेटेड आए हैं दूसरे इलाकों के आके माइग्रेट करके इतने आके बसे ने उन्होंने आके बिल्डिंगों को खराब किया। यह देखो यह पार्ट भी दमदमा साहब के नाल जुड़िया होया सी पंजाबी सराय दमदमा साहब और यात्री निवास ये पूरी बिल्डिंग जी है कमो बेस जी सी ये जुड़िया हुई कम अज़ कम 24 तो ज़्यादा जी शॉप्स ने और उस तो बाद जरा पूरा का पूरा देखो तुम यह बालकनी सेम उ बाबा खेम सिंह बेदी के दौर की ही बनी हुई है। यह उन्होंने लाइफ का आखिरी प्रोजेक्ट सी वैसे तो उन्होंने पब्लीकेशन के मुतलक मैं तुम्हें पहले भी दस चुका वा उन्होंने काफ़ी काम करवाए ने लेकिन वो एक जड़ा सी यह नायाब चीज़ा सन जिन्हों के असरात हले तक बाकी ने और काफ़ी हद तक वो चीज़ा जड़िया ने अपनी हालत में नज़र आदि ने कि भी यह जड़ा किस चीज़ का पार्ट सी है। मैं थोड़ा जहा थानू यात्री निवास के मुतलिक दसदा जाना वा ए पिछे ही सैनमा नज़र आ रहा है यह भी रावलपिंडी दौर का रावलपिंडी का जो ब्रिटिश इरा का बनया हुआ सैनमा है। अजकल एज मेरा ख्याल गुडैम यूज़ हो रहा रश ज़्यादा थोड़ा जिन्ना
ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕ ਗੇਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਰਾਏ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕ ਡੋਰ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਟ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲੱਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤਮਾਮ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ